हेलो एवरीवन, आज हम देख रहे हैं चंबल फर्टिलाइजर का शेयर। सो देखिए, इसमें अभी करंट लेवल चल रहा है इसका 300 का। वन डे के अंदर इसने कुछ मूव नहीं दिया है, बिल्कुल उसी लेवल पे है। वन वीक की बात करें तो 4% का मूव है। वन मंथ के अंदर इसने 9.5% का मूव दिया है। अब इसका वन ईयर का चार्ट देखेंगे तो आपको दिख रहा है ये कंटिन्यूसली आप एक डाउन ट्रेंड में दिख रहा है लास्ट एक साल से। उसके बाद में देखिए, आप यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन करके अब यहाँ ऊपर साइड मूवमेंट देना स्टार्ट किया है। सो चलते हैं डेली चार्ट पे और देखते हैं कि आगे इसका क्या प्रोजेक्शन दिख रहा है हमको। सो ये है आपका इसका डेली चार्ट। ओके, सो यहाँ पे देखिए, पिछले कुछ दिनों में इसने RSI में देखिए, आप कंटिन्यूसली RSI बिलो 50-55 के नीचे था, ट्रेवल कर रहा था। उसके बाद में देखिए, अभी करंटली इसका RSI 70 के आसपास आ गया है। और RSI में भी देखिए आप, मतलब कंटिन्यूसली एक पॉजिटिव साइड में एक मोमेंट बन रहा है। साथ में अब अगर देखिए प्राइजेक्शन का देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक टिपिकल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर देखिए, जिसका हेड ये रहा था आपका लगभग 249 के आसपास, ठीक है, और ये शोल्डर था 272। तो यहाँ से इसने इसके नेक लाइन का जो ब्रेकआउट दिया है 294 के आसपास, ठीक है, 290-294 के आसपास इसने इसके नेक लाइन का ब्रेकआउट दिया है। और उसके ऊपर एक जो है कैंडल ग्रीन बनाया है, और कल का जो कैंडल था वो रेड बनाया है, क्योंकि इसका लगभग 307 के आसपास 200 डे मूविंग एवरेज चल रहा है। सो वहाँ से एक बार रिजेक्शन लिया है इसने, ठीक है, और वापस हो सकता है एक बार के लिए वापस 295 के लेवल तक आ सकता है। तो यहाँ पे एक अच्छा अपने पास रिस्क टू रिवार्ड बन रहा है। यहाँ से अपसाइड मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा है और नीचे डाउनसाइड रिस्क अपना बहुत कम है। सो हम देखते हैं आगे हमारे क्या टारगेट हो सकते हैं यहाँ से। सो टारगेट्स में देखिए, आपका करंट लेवल है इसका एग्जैक्ट 300 के आसपास। सो वहाँ यहाँ से पहला जो टारगेट होगा वो होगा 321 का आपका, जो कि करंट लेवल से एग्जैक्ट 7% का मूव होगा, ठीक है। दूसरा टारगेट होगा आपका 345 का, ठीक है। दूसरा जो टारगेट है ये करीब करीब आपका 13% का आपका मूव है करंट लेवल से। और ये दोनों जो है ये आपके नेक्स्ट 2-3 वीक के टारगेट्स हैं आपके, ठीक है। और अगर इससे आप ज़्यादा के लिए जाएंगे, ठीक है, मोर देन मंथ, वन मंथ के लिए देखेंगे हम टारगेट, तो आपका 355 भी आपको देखने को मिल सकता है, जो कि 18% होगा, ठीक है। बट बेसिकली अपना फोकस है आपका 321 और 340 तक। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट वन मंथ के अंदर अंदर ये आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब देख लेते हैं नीचे डाउनसाइड अपना कितना रिस्क है, यानी सपोर्ट अपना जो है क्या होने वाले हैं। तो सपोर्ट्स में देखिए, फर्स्ट जो इसका सपोर्ट था वो इसका जो जहाँ पे ये नेकलाइन का ब्रेकआउट किया था वो वाला लेवल था आपका लगभग 394-395। तो ये हम लेते हैं 395 पहला यहाँ पे सपोर्ट होने वाला है। दूसरा जो सपोर्ट होगा आपका ये दिख रहा है आपको, एक बार बीच में यहाँ पे दो रेड कैंडल बना था, ठीक है, यहाँ पे इसने एक बड़ा ग्रीन किया, इसके बाद में पोज लेके फिर इसने ग्रीन कैंडल बनाया। सो ये वाला जो लेवल है यहाँ पे ये है करीब आपका 384 का। सो ये दो हम नीचे सपोर्ट लेवल कंसिडर कर रहे हैं, 395, ठीक है, और 384। सो ये था आपका चंबल फर्टिलाइजर का शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।